देश में पहले आम चुनावों की रूपरेखा तैयार करने वाले शख्स की जिंदगी पर पहली बार बायोपिक बनने जा रही है। फिल्म निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर ने ऐलान किया है कि वो देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन पर बायोपिक बनाएंगे। रॉय कपूर फिल्म्स और ट्रिकेटेनमेंट मीडिया के बैनर तले इस बायोपिक का निर्माण होगा। प्रोडक्शन हाउस का कहना है कि उन्होंने इस बायोपिक को बनाने के सभी राइट्स हासिल कर लिए हैं। बायोपिक फिल्म में किसी शख्स की निजी जिंदगी, उसकी उपलब्धियों को पर्दे पर दिखाया जाता है। फिल्म में रोचकता बनी रहे इसके लिए फिल्म निर्माता स्टोरी में थोड़ा बहुत फेरबदल कर देते हैं। रॉय कपूर फिल्म्स ने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सुकुमार सेन और सिद्धार्थ रॉय कपूर की तस्वीर के कोलाज को साझा किया है। इस तस्वीर को साझा करते हुए प्रोडक्शन हाउस की तरफ से लिखा गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पिछले महीने में किस पार्टी के सिंबल को दबाकर किस प्रत्याशी को वोट दिया है। असली कहानी और प्रतीक चिन्ह तो आपकी तर्जनी पर लगी वो छोटी सी काली रेखा है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक अविश्वसनीय कहानी जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। सिद्धार्थ रॉय कपूर इस बायोपिक को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है, हम अपने राष्ट्र नायकों में से एक सुकुमार सेन की अविश्वसनीय कहानी को बड़े पर्दे पर लाने जा रहे हैं। मेरे लिए ये गर्व का क्षण है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को आकार देने में सुकुमार सेन ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने अलग अलग प्रतीकों और रंगों के आधार पर राजनीतिक दलों की पहचान करने की प्रणाली दी थी। साथ उन्होंने निरक्षरता से निपटने के लिए मतदाताओं को अधिकार दिया और वोट के बाद नाखूनों पर अमिट स्याही लगाने का विचार भी उन्हीं का था। आज वो उस दुनिया में भले ना हो, लेकिन उनके आविष्कार आज भी मौजूद है। सुकुमार सेन की इस बायोपिक पर उनके परिवार ने भी खुशी जाहिर की है। उनके पोते संजीव सेन का कहना है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक इसका सफल लोकतंत्र रहा है। सभी लोकतंत्रों की नींव स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। इस जीवन चुनावी प्रक्रिया के लिए आधारशिला रखने का श्रेय सुकुमार सेन को जाता है। हमारे दादाजी स्वतंत्र भारत के पहले चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त थे और हमें उन पर गर्व है। संजीव सेन ने फिल्म निर्माताओं को धन्यवाद देते हुए ये उम्मीद जताई है कि राष्ट्र के एक गुमनाम नायक की अनकही कहानी फिल्मी पर्दे पर लोगों को पसंद आएगी। इस बायोपिक में सुकुमार सेन के दूसरे पोते देवदत्ता सेन का कहना है, सुकुमार सेन जैसी शख्सियत और उनकी उपलब्धियों को सिल्वर स्क्रीन के जरिए लोगों तक पहुँचाना अच्छी कोशिश है। वही ट्रिकेटेनमेंट मीडिया से जुड़े फिल्म निर्माता रोमांचक अरोड़ा का कहना है कि सुकुमार सेन की कहानी स्मारकीय और नाटकीय क्षणों से भरी है, जो वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने वाले सभी भारतीय नागरिकों को प्रभावित करेगी। 73 सालों बाद ये कोशिश की जा रही है, उम्मीद है हमारी आज की पीढ़ी इसे पसंद करेगी। हालांकि चुनावों पर कई फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है, इनमें राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की फिल्म न्यूटन बेहद पॉपुलर है। बस्तर के इलाकों में मतदान कराना कितना मुश्किल होता है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। बहरहाल सुकुमार सेन की बायोपिक दर्शकों को पसंद आएगी, ये तो फिल्म बनने के बाद ही मालूम चलेगा। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि उनकी जिंदगी से जुड़े कई किस्से बेहद दिलचस्प होंगे। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी9 डिजिटल पर।